हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ड्यू स्प्रिंग। मेरा नाम है शिखा सिंह। आज हम ये वीडियो फिर से नीट के ऊपर ही बना रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नीट एग्जेम्पशन के लिए पे बात की थी, तो फ्रेंड्स एज यू मे ऑल नो एमसीआई का नोटिफिकेशन 25 अगस्त को आ चुका है। एमसीआई उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या फायदे नुकसान हैं, प्लस नीट को लेके जो आज लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज अगर हम नीट की बात करें तो 13 सितंबर इज द डेट विच हैज बीन गिवन बाय एनटीए। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, सब कुछ फुल स्विंग में है गवर्नमेंट की तरफ से कि नीट 13 सितंबर को होना है। अब अगर हम अपोजिशन की बात करें तो फिर आज नीट को रुकवाने के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी, अपोजिशन पार्टीज भी, इवन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि नीट नहीं होना चाहिए। अभी रीजन इज द कोरोना थिंग कि अभी इस माहौल में कैसे होगा, और हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू द एजुकेशन। कुछ लोग बाढ़ को लेकर, जो इंडिया में कई सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई है इस वक्त पे, उसको लेकर बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स पहुंचेंगे कैसे अगर नीट अभी होता है 13 सितंबर, और जो कि बहुत बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, नहीं सुन रहे हैं और 13th को बोल रहे हैं कि नीट होगा। तो अगर हम नीट पे अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, अगर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि नीट 13th को ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको पता था कि नीट मई जून में होगा, नहीं तो आगे 1-2 महीने जाएगा, तो उन लोगों की प्रिपरेशन में कुछ अफेक्ट होना चाहिए। 720 नंबर का ये पेपर होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको आई थिंक 150 मार्क्स आर सफिशियंट। अगर आप MBBS अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, 150 मार्क्स बहुत इजी है आपको लाना। 20% मार्क्स होते हैं अगर हम 150 मार्क्स की बात करें तो, परसेंटाइल में रिजल्ट आता है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो मेरी पर्सनली जो एडवाइस है आप लोगों को वो ये है कि आप सब कुछ छोड़कर इस टाइम पे नीट पे अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि अभी तक पिटीशन के बाद पिटीशन फाइल हो रही है, भी कल भी एक पिटीशन फाइल हुई है, एग्जेम्पशन को लेके भी पिटीशन फाइल हुई है जो हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नीट को लेके जो भी पिटीशन फाइल हो रहे हैं या जो अपोजिशन मीटिंग कर रही है, उससे अभी तक कोई भी डिले होने का इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो केंद्रीय सरकार है और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो यही बोल रहे हैं कि उन लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है नीट को 13 सितंबर को करवाने के लिए। दे आर फॉलोइंग ऑल प्रिकॉशंस। सेंटर्स जो पहले 580 कुछ थे, वो अब उन्होंने बढ़ा दिए हैं कोरोना को सामने रखते हुए, और बहुत हाइजीनिकली ये लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कोविड का आपका टेस्ट दिखाना आपको जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, अपना सैनिटाइजर ये सब कुछ लेके जाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे रूल्स इन्होंने लागू किए हैं इस बार नीट के लिए, वो हमने अपनी वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पेज पे एंड जो हमारा नीट से रिलेटेड ग्रुप है उस पे सब पे डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम नीट एग्जेम्पशन की बात करें तो जैसे कि हाईकोर्ट ने एमसीआई को बोला था इस पे डिसीजन लेने के लिए, एमसीआई ने डिसीजन लिया भी है और वन टाइम एग्जेम्पशन दिया भी है। उनका कहना ये है कि आप अगर इस साल नहीं कर सकते हैं, नीट में नहीं बैठ सकते हैं या फेल कर जाते हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट रहा है, उस सब को देखते हैं उन्होंने बोला है कि आप इस साल अगर नीट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप 2021 में आकर नीट दे सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन हाई है, जिनको पता है कि वो इस साल प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या जिनको लगता है कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे 2020 में और जिन्हें आगे का डाउटफुल है, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपना नीट इस बार क्लियर करें, देन ओनली गो अहेड विद योर
एनरोलमेंट एंड एजुकेशन. और जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अच्छा सिक्योर कर चुके हैं, इस साल फिर से नीट में बैठना चाह रहे हैं अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिए तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम. क्योंकि वैसे भी लास्ट थ्री इयर्स का जो नीट स्कोर है वो आपका वैलिड है. अगर आप इस साल अच्छा सिक्योर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो लास्ट थ्री इयर्स का नीट स्कोर है वो वैलिड रहेगा, उसके बेसिस पे भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आप आज की डेट के हिसाब से चले, कल क्या होगा, हो सकता है नीट पोस्टपोन हो जाए, इट इज योर लक. लेकिन अगर पोस्टपोन भी होता है तो एक महीना दो महीना आगे पोस्टपोन होगा, प्रिपरेशन हमें तब भी करनी होगी. आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड एडवाइज यू ऑल टू कंसंट्रेट ऑन योर प्रिपरेशन, सो दैट आप अगर MBBS अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं तो आप आसानी से 720 में से एटलीस्ट 150 मार्क्स लिए. कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीट से रिलेटेड, या आपको अपडेट चाहिए, रेगुलर अपडेट जो कि हम अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, जिसका लिंक हम अपनी वीडियो में देते हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें कि आपको हर दिन के 10 अपडेट्स मिलते हैं. जो भी नीट पे अपडेट आता है, MCI से रिलेटेड जो अपडेट्स आते हैं, या MBBS अब्रॉड, या MBBS इन इंडिया, कॉलेजेस इन इंडिया, हर एक चीज उस पर कवर होती है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, आपको हर एक अपडेट टाइमली मिलेगा. एंड ऑल्सो लाइक आर पेज, जस्ट सब्सक्राइब आर YouTube चैनल, सो दैट यू विल रिमेन अपडेटेड ऑन ईच एंड एवरी वीडियो जो हम लेकर आएंगे. थैंक यू.